सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट एयर कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन को, इसे ऑल पे करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज, आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप नया एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसे वैक्यूम कैसे किया जाता है। बहुत सारा कमेंट में क्वेश्चन था कि सर एलेंकी लॉक करके वैक्यूम करे कि एलेंकी खोल करके। तो भाई, अगर आप एलेंकी खोलते हैं तो आउटडोर यूनिट में जो गैस स्टोरेज है वो आपके इंडोर यूनिट या पाइप में चला जाएगा, तो वैक्यूम करने से कोई मतलब नहीं है। वैक्यूम किया जाता है अगर नया मशीन इंस्टॉलेशन करते हैं तो एलेंकी दोनों लॉक रहेगा, इसका मतलब आउटडोर यूनिट का जो गैस है वो आउटडोर यूनिट में ही है। अब हम लोग को इंडोर को और पाइप को वैक्यूम करना है, तो एलेंकी को खोले बगैर यहाँ पर चार्जिंग लाइन लगाना है मीटर का, एक सामने वाला और सेकेंड वाला चार्जिंग लाइन हम लोग को पंप में लगाना है। पंप में लगाने के बाद ये चाबी खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप आधा घंटा वैक्यूम कीजिए, 15 मिनट वैक्यूम कीजिए, अगर डबल स्टेज का है तो 15 मिनट, बाकी 20-25 मिनट सिंगल स्टेज से आप कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों का वैक्यूम हो गया है, मैं सोचा थोड़ा वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। जब वैक्यूम पूरा हो जाएगा तो 5-10 मिनट मशीन को छोड़ दीजिए वैक्यूम बंद करने के बाद। अगर आपका वैक्यूम सही जगह में है, -30 में है, तो आप गैस को खोल के उसका लीकेज चेक कर सकते हैं। और अगर 20 मिनट 10 मिनट छोड़ने के बाद अगर वैक्यूम आपका टूट जा रहा है, मतलब रिटर्न जीरो में चल जा रहा है, इसका मतलब कहीं से लीकेज है, तो आप गैस को उस दौरान ना खोलें। अगर आपका वैक्यूम नहीं टूटता है तो उस समय आप गैस खोल के स्पंज से या लीक डिटेक्टर से आप चेक करके मशीन को रन कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरा वैक्यूम हो गया है, अभी हम सिस्टम को कर देंगे आपका वैक्यूम पंप को, उसके बाद मैं एलेंकी खोल के, ये जो एलेंकी है, ये दोनों एलेंकी खोल देंगे, उसका लीकेज चेक करके मशीन को चालू कर देंगे। तो हाय फ्रेंड, वीडियो आपको समझ में आया हो कि वैक्यूम कैसे करना है न्यू मशीन में, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।